क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व करना है। द हाँ स्लोप ऑफ द कर्व वाई इक्वल टू एफ एक्स एट द पॉइंट पी एक्स नॉट एफ एक्स नॉट इज द नंबर एम एग्जिस्ट। द टेंजेंट लाइन टू द कर्व एट पी इज द लाइन थ्रू पी विद गिवन स्लोप है। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बेस्ड ऑन अबव थ्योरी। सो देर आर थ्री क्वेश्चन 1, 2 एंड 3 एंड सॉल्व देम। करो जल्दी से फटाफट आंसर आंसर देम। देखो इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करेंगे, पहली बात तो ये पढ़ो क्वेश्चन को समझो क्या बोल रहे हैं। द स्लोप ऑफ द कर्व वाई इक्वल टू एफ एक्स एट पॉइंट एक्स नॉट एफ एक्स नॉट इज द नंबर एम। ये नंबर है मतलब किसी कर्व का इस पॉइंट पे एक्स नॉट कॉमा एफ एक्स नॉट पॉइंट पे जो टेंजेंट का स्लोप है वो ये होता है। मतलब पॉइंट कर्व का स्लोप इज सेम एज दी उस पॉइंट पे जो टेंजेंट बनेगी उसका स्लोप वो ये नंबर है। द टेंजेंट लाइन टू द कर्व एट पी इज द लाइन थ्रू पी विद गिवन स्लोप एम। तो पहले एक कर्व बना देते हैं इस तरह से, लेट से कोई भी कर्व लेट कि ले लेट से ये कर्व है ऐसा कुछ और एक पॉइंट यहां पे है ये एक्स नॉट हो गया और ये पी पॉइंट हो गया। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गया एक्स नॉट कॉमा ये वाई इक्वल टू एफ एक्स हो गया है ना पी एक्स नॉट कॉमा एफ एक्स नॉट एफ एक्स नॉट। तो इस पॉइंट पे यदि हम टेंजेंट बनाए टेंजेंट तो उसका जो स्लोप आता है लेट्स से ये थीटा है तो टेन थीटा इज द स्लोप एम और वो किससे डिसाइड किया जाता है लिमिट एस टेंडिंग टू जीरो एफ एक्स नॉट प्लस एच और माइनस एफ एक्स नॉट अपॉन एच ये बोला जा रहा है। तो क्या ये पॉइंट समझ आया कि द स्लोप ऑफ द कर्व वाई इक्वल टू एफ एक्स एट द पॉइंट पी एक्स नॉट इज द नंबर। इस पॉइंट पे कर्व का स्लोप इज द नंबर एम। तो बाय द वे इस पॉइंट पे वो जो एम आता है वो पता क्या है वो ये इस टेंजेंट बनाने के बाद इसका जो स्लोप होता है टेन थीटा उसके इक्वल होता है। तो बेसिकली इस पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप इस फॉर्मूले से निकाला जा सकता है। ठीक है अब आगे बढ़ते हैं क्या बोला जा रहा है। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बेस्ड ऑन द अबव थ्योरी। फाइंड द स्लोप ऑफ द कर्व y इक्वल टू एफ एक्स। तो अब इस समय एफ एक्स क्या गिवेन है एफ एक्स गिवेन है 1/x एट द पॉइंट x इक्वल टू a और जो कि जीरो नहीं है। तो बोला जा रहा है कि जनरल पॉइंट x इक्वल टू a पे फंक्शन का स्लोप क्या है। तो स्लोप के लिए यही फॉर्मूला लगा देते हैं। तो m इज इक्वल टू कितना हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू जीरो। अब देखो यहाँ पे x नॉट की जगह किसने ले रखी है a ने तो a पुट कर देंगे। तो यहां पे क्या हो जाएगा f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a अपॉन h हो जाएगा। ठीक है अब यहां पे m का जो वैल्यू है लिमिट h टेंडिंग टू जीरो f ऑफ a प्लस h कितना हो जाएगा एफ एक्स ये है तो f ऑफ a प्लस h इज 1 अपॉन a प्लस h माइनस एफ ऑफ ए इज 1/a अपॉन एच हो गया। ठीक है ऐसा और ये लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो इसको मल्टीप्लाई कर दे इसको इसमें तो कितना बचेगा बताओ a माइनस a प्लस एच माइनस एच अपॉन अपॉन a a प्लस एच और ये एच। ठीक है तो ये कट हो गया a से ये कट हो गया माइनस एच हो गया तो ये हो जाएगा लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो माइनस एच अपॉन एच तो माइनस वन अपॉन ए ए प्लस एच हो गया चलेगा। अब एच टेंडिंग टू जीरो है तो ये कितना आ जाएगा माइनस वन बाई ए माइनस वन बाई तो ए पे एम का जो स्लोप है स्लोप जो नंबर एम है
कितना हो जाएगा ये, माइनस वन बाई ए स्क्वायर एट एक्स इक्वल टू ए। अच्छा इसी के दूसरे पार्ट में कुछ पूछा गया, बताओ क्या पूछा गया बताओ। व्हाट इज द स्लोप एट द पॉइंट एक्स इक्वल टू माइनस, तो अब ए की जगह क्या रख देंगे बताओ, माइनस वन पे पूछा गया कि स्लोप क्या है, माइनस वन पॉइंट है कोई उस पे स्लोप क्या है, तो बस यहाँ पे एक्स की जगह माइनस ए कर देना, स्लोप एट एक्स इक्वल टू माइनस वन, तो बस ए की जगह क्या कर देना है माइनस माइनस वन पुट कर देना, एम इज इक्वल टू माइनस ऑफ वन अपॉन माइनस वन का होल स्क्वायर दैट इज माइनस वन। तो पहला आंसर आ गया, पहले का आंसर आ गया। अच्छा दूसरा क्या बोला जा रहा है, दूसरा पॉइंट देखो क्या बोला जा रहा है, सोच के बताओ। वेयर डज द स्लोप इक्वल्स माइनस वन बाई फोर, तो कहां पे स्लोप माइनस वन बाई फोर के इक्वल हो जाएगा, तो जनरल फॉर्मूला क्या निकाला था, अभी ये निकाला था ना फॉर्मूला स्लोप का फॉर्मूला, तो मैं एम माइनस वन बाई फोर इज इक्वल टू एम इज इक्वल टू माइनस वन बाई ए स्क्वायर पुट कर देते हैं, तो यहाँ पे ए स्क्वायर की वैल्यू क्या फोर आ जाएगी, तो इससे क्या होगा कि ए इज इक्वल टू प्लस माइनस टू आएगा, मतलब ये दो पॉइंट है एक्स इज इक्वल टू टू और माइनस टू, ये दो पॉइंट है जहां पे स्लोप कितना हो जाएगा, स्लोप की वैल्यू माइनस वन बाई फोर हो जाएगी, तो आंसर क्या होगा टू एंड माइनस टू। अच्छा तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, क्या बोला जा रहा है, राइट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पी टू कॉमा माइनस पी कॉमा सॉरी राइट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पी टू कॉमा हाफ, टू कॉमा हाफ पे हमें टेंजेंट की इक्वेशन लिखनी है, लेकिन एक्स इक्वल टू टू पे स्लोप बताओ कितना है, टू पे एक्स इक्वल टू टू पे स्लोप माइनस वन बाई फोर है ना, तो बस P पॉइंट क्या बोला था हमें, P पॉइंट था 2 कॉमा 1 बाई 2 और M इस पॉइंट पे जो स्लोप आ रहा था वो माइनस 1 बाई 4 यही आ रहा था ना, है ना, तो टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बाय द वे क्या इक्वेशन ऑफ लाइन बन जाएगी, थिंक अबाउट इट, मतलब ये देखो ना ध्यान से, yes. ये पॉइंट हमें पता है, इस पे स्लोप पता है, तो इस ये टेंजेंट मतलब इस लाइन की इक्वेशन हमें चाहिए, है ना, तो इस लाइन की इक्वेशन इक्वेशन निकालने के लिए दो क्वांटिटी चाहिए होती है, एक तो वो पॉइंट जहां से वो लाइन पास हो रही और दूसरा उसका स्लोप, तो क्या ये दोनों ही चीजें अपने पास है, पॉइंट जहां से पास कर रहा है और उसका स्लोप हमें पता है, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगी, क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, y माइनस वन बाई टू इज इक्वल टू m, m इज माइनस वन बाई फोर टाइम्स x माइनस टू, सही है, अभी दोनों तरफ फोर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये फोर से मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर वाई माइनस टू इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस टू, माइनस एक्स प्लस टू, तो अब ये कितना हो गया, जैसे प्लस एक्स प्लस फोर वाई माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो, बस ये आंसर हो गया, एक्स माइनस फोर वाई माइनस फोर इक्वल टू जीरो, क्या इतना समझ आए ना, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, राइट डाउन क्वेश्चन नंबर थ्री, सॉल्व इट, सॉल्व क्वेश्चन नंबर थ्री, सॉल्व करो इसका, क्या करना है देखो, यहाँ पे कंसीडर डेल्टा वाई इक्वल टू डेल एक्स, डेल वाई इक्वल टू डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, और इसी को बोलते हैं ये जो चेंज इन वाई है दैट इज वाई टू माइनस वाई वन, और चेंज इन एक्स इज एक्स टू माइनस एक्स वन, और इसी को नाम देते हैं ग्रेडियंट, क्या नाम देते हैं, ग्रेडियंट, है ना,
या आप इसी को स्लोप भी बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो? स्लोप स्लोप भी बोला जा सकता है। तो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, ये दोनों ही क्या है? स्लोप है। ये कहो या ये कहो, ग्रेडियंट कहो स्लोप कहो, सेम ही है। वेयर वाई इक्वल टू एफ एक्स, सेलेक्ट दी करेक्ट ऑप्शन। तो पहला देखो, क्या ये पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है? देखो, चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स, और जब डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो हो तो इसी चीज को हम नाम देते हैं डी वाई बाई डी एक्स। तो ये बिल्कुल ठीक है। तो क्या समझ आया ना, ये डी वाई बाई डी एक्स किसको बोलते हैं? डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स को। ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है। अच्छा, एफ डैश एक्स वन का क्या मतलब है? एक्स वन पे फंक्शन का डिफरेंशिएशन चेक करना है। तो क्या करेंगे, देखो y माइनस वाई वन अपॉन एक्स माइनस एक्स वन, और x जो है टेंड करेगा x1 की तरफ। तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि ये क्या है, यही तो है फर्स्ट प्रिंसिपल। और इन द पॉइंट p x1 कॉमन लाइज ऑन द कर्व y इक्वल टू fx पे, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो किसी पॉइंट पे फंक्शन का डेरिवेटिव ऐसे निकाला जाता है, है ना? लास्ट क्लास में किया था, याद है? cos x का हमने डिफरेंशिएशन किया था जनरल, तो इस मेथड से किया था। अच्छा, नेक्स्ट ये देखो, ग्रेटर ग्रेडियंट इंप्लाई ग्रेटर रेट ऑफ चेंज। तो ये भी बिल्कुल ठीक है कि मतलब जितना ज्यादा स्टीप होगा उतना ही ज्यादा रेट ऑफ चेंज होगा। ग्रेटर ग्रेडियंट, जितना ज्यादा चेंज होगा डेल्टा वाई में चेंज होगा उतना ही ज्यादा रेट ऑफ चेंज होगा। Now, equation of tangent at point px1, y1 lies on the curve y equal to fx is. तो ये देखो, ये भी बिल्कुल है, ये वही है ना स्लोप dy dx at p, ये किसका काम करेगा? m m और स्लोप of tangent at x इक्वल टू p पे, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x इक्वल टू p, एट x इक्वल टू p नहीं बोलेंगे, एट p लिख देंगे बस। तो ये हो क्या जाएगा, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं dy by dx at p, या फिर ऐसे लिखेंगे कि इसी चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं dy by dx at x इक्वल टू x1, ऐसे भी लिख सकते हैं। मतलब ये p लिया हुआ है, ये बिल्कुल स्पेसिफिक कर दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ x1 पे बोला गया ना, ये पॉइंट x1 कॉमा y1। तो क्या ये भी बिल्कुल सही है? सो ऑल आर करेक्ट ऑप्शंस। कोई डाउट इसमें? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या क्या सीखने को मिला बताओ, कि dy by dx कैसे लिखा जाता है। ये देखो, फर्स्ट प्रिंसिपल के बारे में बात कर रहे हैं, किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट x1 पे फंक्शन के डिफरेंशिएशन की एक्सप्रेशन कैसे लिखी जाती है फर्स्ट प्रिंसिपल, और उसी पॉइंट पे टेंजेंट की इक्वेशन इस फॉर्मूले से आप लिख सकते हो, है ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अच्छा, एक्सप्लेन द ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ एफ डैस ए एंड डिस्कस इट्स डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ डिफरेंसिबिलिटी ऑफ एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू ए। तो क्या ये तो हमने फर्स्ट क्लास में ही सीख लिया था, तो इसको जरूरत नहीं है ना। तो क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, आज सीखते हैं कि डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शन यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। तो फर्स्ट प्रिंसिपल का प्रयोग करते हुए हमें डिफरेंशिएट करना है। लेट्स लर्न अबाउट देम और देखते हैं कि कैसे फर्स्ट प्रिंसिपल का प्रयोग करके डिफरेंशिएशन निकलता है। ठीक है, तो सॉल्व करो वन बाई वन, सॉल्व देम। H वाला यूज करूं कि उसके बिना वाला? जैसे भी आपको यूज करना है। यदि H करना है तो H कर सकते हो, या डायरेक्ट करना है, क्योंकि बाद में H ही आता है। यदि बिना H के हो रहा है तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, सर मुझे H के साथ कंफर्टेबल है। H के साथ जैसे f'x का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, f'x के साथ लिमिट H टेंडिंग टू 0 और फिर x प्लस H माइनस fx अपॉन एच। हाँ करो जल्दी से। हाँ सर अभी कर, है ना? पहला कैसे करेंगे देख लेते हैं हम। फर्स्ट वर्ड
तो एफ डैश एक्स की एक्सप्रेशन तो हमने ये लिखी दी ऊपर, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो। अब क्या करेंगे, यहां जहां एक्स दिख रहे हैं वहां पे एक्स प्लस एच लिखना पड़ेगा। एक्स प्लस एच अपॉन क्या हो जाएगा, एक्स प्लस एच माइनस वन माइनस एफ एक्स की जगह एक्स अपॉन एक्स माइनस एच, एक्स माइनस वन अपॉन एच, ये ठीक है। अभी आप इसको सिंप्लीफाई करो, कितना आ जाएगा ये लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, ये मल्टीप्लाई कर देते हैं एक्स प्लस एच इंटू एक्स माइनस वन और माइनस एक्स टाइम्स एक्स प्लस एच माइनस वन और अपॉन में क्या आ जाएगा एच एक्स माइनस वन एक्स प्लस एच माइनस वन, क्या इतना ठीक है। अब ये जो क्वांटिटी है इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो कितना मिलेगा, ये देखो ध्यान से, मैं x प्लस एच इंटू एक्स कर देता हूँ, x प्लस एच इंटू एक्स और माइनस वन, वन से सबट्रैक्ट, वन से माइनस वन से मल्टीप्लाई तो करेंगे, माइनस x माइनस एच हो गया। अच्छा ये माइनस x टाइम्स ये x प्लस एच हो गया और ये प्लस x हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे x प्लस एच टाइम्स x ये कट हो गया और x से ये कट हो गया तो क्या बचा, माइनस एच बचा ना, तो न्यूमरेटर में माइनस एच रख देंगे तो f डैश x कितना हो जाएगा, दैट इज लिमिट h टेंडिंग टू जीरो एंड दिस इज माइनस एच अपॉन h x माइनस वन और x प्लस एच माइनस वन, ठीक है। देखो यहां से h से h कट हो जाएगा और ध्यान से देखो ये लिमिट कितनी आ जाएगी, h वेरिएबल है तो माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर है। तो ये फर्स्ट प्रिंसिपल से हमने इसका डिफरेंशिएशन निकाला, क्या इतनी बात समझ आई, है ना। नेक्स्ट सेकंड पार्ट सॉल्व करो, सॉल्व अनदर पार्ट सेकंड, मैं बताता हूँ थोड़ा, है ना, कैसे करेंगे। तो ऑल्दो आपसे हो गया बट मैं सॉल्यूशन दे देता हूँ। तो एफ डैश एक्स कितना हो जाएगा, इसको बोलेंगे लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच, है ना। अच्छा ये कितना हो जाएगा, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ एक्स प्लस एच आ जाएगा अंडर रूट एक्स प्लस एच, यही ना, और माइनस अंडर रूट एक्स अपॉन एच। बस इसको रेशलाइज कर देना है तो ऊपर नीचे